और इस बीच में बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि ट्रक ड्राइवरों ने फिर जाम लगा दिया है। हिट एंड रन केस में अभी भी जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। अजमेर में ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम, अजमेर कोटा राजमार्ग पर ये चक्का जाम किया गया है। जाम के चलते राजमार्ग पर लंबी वाहनों की कतारें नजर आ रही हैं। पुलिस प्रशासन समझाइश में जुटी हुई है, समझाने की कोशिश कर रही है। सरकार ट्रक यूनियन के बीच बातचीत के बाद भी ये जाम लगाया गया है। ट्रक चालकों ने कानून को निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि कल ही देर रात गृह मंत्रालय में बातचीत हुई, देर वार्ता के बाद ही आपको बता दें कि ये कानून को रोक दिया गया कि इस हिट एंड रन कानून को फिलहाल अभी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अजमेर में ट्रक जाम किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं कि ट्रक जाम करने के बाद लंबी कतारें लगी हुई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए, अशोक भाटी। अशोक, देर रात समझाने के बाद भी ये जाम अभी तक लगा हुआ है, क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, सांवर जो कस्बा है उसके पास अजमेर कोटा राजमार्ग है, वहां पर ये जाम लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी से समझाइश की जा रही है। आपको बता दें जो सरकार ने है उसको इस कानून पर फिलहाल जो है रोक लगा दी, लेकिन ड्राइवरों तक ये जो बात है वो नहीं पहुंची है। देर रात को जो ये कार्रवाई हुई है उसके बाद जो ड्राइवर चलते रहते हैं उनको ये जानकारी नहीं मिली थी। इसके चलते उन्होंने पूर्व जो उनको निर्देश मिले थे अलग अलग स्थानों पर जाम के, तो उसी के तहत उन्होंने सुबह जो है जाम लगाया था। कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार उनसे समझाइश की जा रही है, लेकिन जाम चूंकि बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे 8 है, तो ऐसे में इस हाईवे पर जो है लगातार गाड़ियां निकलती है, लगातार गुजरती है, तो अगर कुछ ड्राइवर भी अगर ट्रक खड़ा करके खड़े हो जाते हैं और जाम लगा देते हैं तो लंबी कतारें यहां पर आवश्यक रूप से लग जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन भी तुरंत मौके पर पहुंचा और सभी से समझाइश करते हुए, हालांकि सभी को समझाइश करते हुए उनको बताया गया कि इस जो कानून में किसी तरह का अभी तक फिलहाल बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन समझाइश के बावजूद भी यहां पर जाम लगाया गया है। फिलहाल अभी भी समझाइश जारी है और सभी ट्रक चालकों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इसमें, क्योंकि ट्रक चालक है उनको थोड़ा समझने में समय लगेगा, उनको जो उनके जो पदाधिकारी है उनके निर्देश के बाद ही वो जो जाम खोलेंगे। तो उनका कहना है कि जब तक इस निरस्त नहीं किया जाता इस कानून को तब तक उनका जो आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल जो है समझाइश का दौर जारी है और उनका यह कहना है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से जो निर्देश मिलेंगे उसी तहत हम जो है कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अशोक, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से कल रात गृह मंत्रालय में बात हुई और उसके बाद प्रावधानों, कानून के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया जाएगा और उसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, आप जैसा बोल रहे हैं, तो क्या अभी तक इनके पास कोई, आप जब समझाने की कोशिश की जा रही है तब भी ये क्या समझने को तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, कई लोग जो हैं समझ चुके हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनके पास, उनका कहना है कि हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, हाँ। इसके चलते ये जाम लगाया गया है। फिलहाल समझाइश के बाद हो सकता है कि आधे घंटे एक घंटे के बीच में उनके पास फोन आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए।